नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और ज़बरदस्त बिग न्यूज़ दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूं कि प्राइवेट हाथों में जाएंगे दो सरकारी बैंक। दोस्तों कौन कौन से दो सरकारी बैंक हैं जो प्राइवेट हाथों में जा रहे हैं, तो अब RBI की पूर्व डिप्टी गवर्नर ने निजीकरण पर कही ये बात। आपको पता है निजीकरण के दो बैंकों की बात चल रही है, उन बैंकों ने मार भी तीन गुना यहाँ पे कर दिया है। और दोस्तों अब जो अगर वो प्राइवेट बैंक बन जाते तो बड़ा एक धमाका काटते आने वाले दिनों में शेयर मार्केट में करते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर वो प्राइवेट होते हैं तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो वो बैंक का पहले से जैसी खबर आई थी उसी दम पे वो तीन गुना माल कर चुके हैं। अगर मैं उन बैंकों का नाम आगे लेना चाहूँगा, पहले यहाँ पे खबर क्या है दोस्तों आपको बता देता हूँ मैं। दो सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाना है, केंद्र सरकार इसके लिए जरूरी कदम उठा रही है। इस पर RBI की पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन ने कहा कि किसी भी इकाई को चुनते हुए समय पर देखना चाहिए कि वह देश के लिए कितनी अच्छी है, तभी उन्हें लाइसेंस जारी करना चाहिए। यानी कि अब जो सरकारी बैंक जो है उनको प्राइवेट बनाएंगे उसके बारे में पूरा मतलब सोच विचार के ही ये कदम उठाया जाएगा। उस पर ये इन्होंने इतनी बड़ी ये बात कही है। आगे और देखते हैं इन्होंने ये क्या कहा है दोस्तों, तो देखते हैं इनका दोस्तों आगे कहना है। केंद्र सरकार ने दो सरकारी बैंकों के निजीकरण का फैसला ले लिया है। इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए जरूरी प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर जानकार अपने अपने राय रख रहे हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन ने भी गुरुवार को इसके बारे में एक बयान दिया। विश्वनाथन का कहना है कि सरकार द्वारा दो सरकारी बैंकों के निजीकरण का फैसला उन निवेशकों के लिए अच्छा मौका है जो इस बिजनेस में हाथ आजमाना चाहते हैं। यानी कि इनको जो भी खरीदेंगे, आपको पता है छोटे मोटे व्यक्ति तो खरीद नहीं सकते हैं, यानी कि कोई पार्टनर भी खरीद सकते हैं, बड़े लोग यहाँ पे खरीदने वाले हैं, तो उनको क्योंकि जमा या बैंक उनको मिलने वाला है, प्राइवेट हाथों में जाने वाला है, तो दोस्तों अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से चलाएंगे तो अच्छा यहाँ पे वो उनके लिए बिजनेस खड़ा करने का अच्छा मौका है, अच्छा मुनाफा कमाने का मौका है। तो उन्होंने ये बात कही है। और वो भी आगे जो बात कही आपको मैं बता देता हूँ। तो आपके लिए भी अगर दोस्तों मैं जानकर खुशी होगी, अगर उन बैंकों में आपने निवेश कर रखा है तो आप अगर उनको अगर साल भर दो साल की होल्ड करते तो आपका माल अभी यहाँ तीन गुना हो चुका, आगे आने वाले दिनों में माल आपका यहाँ से भी दुगुना या तीन गुना तक यहाँ से और अब और आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे पहले देख सकते हैं किस किस यहाँ पे जो दुनिया भर के अंदर जो बैंक खोलने पर कई तरह के प्रतिबंध होते हैं उनको बता दें। उन्होंने निजीकरण के बाद इन बैंकों के कॉरपोरेट दोनों बैंकों के दोस्तों नाम आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। आपको बता दें कि देश तक वीडियो कॉन जो केस में भी देखते हैं 5% तक का यहाँ पे जो रिजोल्यूशन में लेंडर्स को 5% रिकवरी का ऑफर दिया गया था। और यहाँ पे जानकोर का अगर बैंकिंग कारोबार की अगर बात करते हैं दोस्तों, अगर डिफॉल्ट जो होता है जल्द से जल्द उसको निपटा लेना चाहिए। अगर 5 से 7 साल तक का डिफॉल्ट रहता है तो उसको मतलब चिंताजनक में पहुँच जाता है कि वो डिफॉल्ट रिकवर होगा या नहीं होगा। तो ये 5 साल के पहले रिकवर होता है तो उसको डिफॉल्ट मतलब जितना बड़ा इशू नहीं लेते। तो अब आपको दोस्तों दोनों बैंकों के नाम में आपको मैं बता दूं कि कौन कौन से बैंक हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बैंक का नाम लूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये है बैंक, तो ये अभी आपको बता दे इसका 10 रुपये से ये बैंक 27 नहीं लगभग 29 रुपये का हाई लगा चुका है। तो आप देख सकते हैं तीन गुना तक माल कर चुका है। दूसरा दोस्तों मैं बैंक का नाम लेना चाहूँगा, दूसरा बैंक है दोस्तों IOB इंडियन ओवरसीज बैंक है IOB। तो ये बैंक भी आपको बड़ा धमाका यहाँ पे करके दिखाया। अगर 52 BK के लोग की बात करें तो 8 रुपये से ये बैंक भी 29 पे यहाँ पे जा चुका है। तो यू नो इसने भी बड़ा धमाका यानी कि देख सकते हैं इसने माल तो इसने तीन गुने से ज़्यादा माल किया है। तो अब यहाँ पे दोस्तों करंट प्राइस अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे लगभग ये दोनों ही लगभग 25 रुपये के आसपास मिल रहे हैं। यहाँ से दोस्तों आने वाले दिनों में दोनों ही 50+ यहाँ पे जाने की इसकी उम्मीद है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट भी ये बता रहा है। और ये आगे आने वाले दिनों में दोनों बैंक प्राइवेट में जा रहे हैं तो एक बड़ा एक और ये यहाँ पे शेयर मार्केट धमाका करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर मेरे आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री के अंदर आप जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे दोस्तों आपको शोर कॉल मिलती है, ज़बरदस्त कॉल मिलती है, इक्विटी कॉल्स मिलती है आपको वहाँ पे। इक्विटी कॉल मिलेगी आपको, बैंक निफ्टी की कॉल मिलेगी आपको, और ऑप्शन की कॉल दोस्तों वहाँ पे आपको मिलती है। सारी कॉल दोस्तों आपको फ्री के अंदर मिल रही है। मात्र दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आप स्टॉक में दोस्तों अकाउंट ओपन करवाना मेरे दिए गए लिंक से। चलिए दोस्तों कल की कॉल आपको बता दूँ, ज़बरदस्त 100% की एक्यूरेसी कल भी आपको देखने को मिली। चलिए आपको मैं आपको काम दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों कल के काम की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 100% की एक्यूरेसी। यानी यस्टरडे आप देख सकते हैं कोटक बैंक महिंद्रा बैंक का 1700 दिया था, 1716 के टारगेट के लिए पूरे टारगेट सक्सेसफुल। यहीं देख सकते इंडस्ट्री बैंक का टारगेट रखा था मैंने 990 से 1005 का पूरे टारगेट सक्सेसफुल। यहाँ पे देख सकते धमाका हुआ 100% की एक्यूरेसी है। यहीं दोस्तों अगर बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी की कॉल देखिए देख सकते बिग प्रॉफिट 100% की एक्यूरेसी है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों आपको जो कॉल दी गई थी वो 34515 से दी गई थी 34850 के टारगेट के लिए। यहाँ पे बैंक निफ्टी दोस्तों 35000+ गया है, तो जबरदस्त मुनाफा यहाँ भी आप लेके गए 100% की एक्यूरेसी है।
है। अगर ऑप्शन की दोस्तों बात करें, ऑप्शन के अंदर भी आप देख सकते हैं ज़बरदस्त आपको यहाँ पे कॉल दी गई है। ऑप्शन की चौथी तरफ 500 का कॉल दिया गया, 340 से 500 के टारगेट के लिए भाई साहब ये 700 प्लस निकलाई है। यहाँ से दिखती है 100% की एक्यूरेसी। सारी कॉल दोस्तों आपको शोर कॉल यहाँ पे दी जाती है और आप दोस्तों सारी कॉल पा रहे हैं फ्री के अंदर। आप 800 पे दोस्तों संपर्क कर सकते हैं। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।